नमस्कार साथियों, तो सिरानी की कल वोटिंग का आज 26 है 27 है यानी कल वोटिंग हुई थी। मतलब अब पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन एक छोटे से गांव की लड़की बिग बॉस OTT में अभी तक टिकी है, बहुत बड़ी बात होती है। जीते अथवा ना जीते, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए गांव के लोगों को ज़्यादातर, क्योंकि गाँव के लोगों को तो जलवाही है भाई। जो भी है, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, अरे गाँव वाले फलाना ढिकाना ऐसा वैसा, बिग बॉस में टिका कौन, साले अदनान जैसे तो बाहर निकल गए। अदनान शेख 2-4 दिन नहीं टिक पाया वो बिग बॉस OTT में। मतलब इतना दिन तक टिकना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब जीते अथवा ना जीते वो तो समय पर छोड़ दो, लेकिन इतना दिन तक बिग बॉस में टिकना बहुत बड़ी बात हो जाती है गाँव की लड़की के लिए। वो भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो, लेकिन गाँव के आजकल है तो सभी एजुकेटेड, लेकिन वो नहीं है, तो इतने दिन तक टिकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो देखते हैं वो क्या बोलते हैं अरवान मलिक की पहली पत्नी, वो नहीं टिक पाई ज़्यादा दिन तक। ऐसे बहुत से हैं, वो निकल गए बाहर। तो अब सोचने वाली बात तो होती है यार कि इतने लंबे चौड़े, गाना बंद करो, इतने दिन तक टिक पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है गाँव के लोगों को। मतलब सिवा नहीं है सोची थी, तो सोशल मीडिया का पावर है भाई, व्यक्ति को यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है, पता भी नहीं चलता है। तो मेहनत करते रहना चाहिए और करते रहें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ भाई साहब। मैं भी सोच रहा कि YouTube पे अपना बेस बन जाएगा अच्छा, लेकिन क्या है कि अब एक्टिविटी नहीं रह पाती भाई साहब हमारी। एक्टिविटी रहती ना तो अभी तक तो मेरा भी बेस अच्छा खासा बन जाता, लेकिन एक्टिविटी किसी कारणों के कारण नहीं बन पाती, बस इतना ही फ़र्क है। चलो देखते हैं, लगे हैं, अगर मेहनत ने चाहा, ईश्वर ने नहीं, मेहनत ने चाहा तो रंग लाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।